तान के छीना है, क्योंकि गर्व से हमको जीना है। शहीद हुए जो मातृभूमि पर, उनके हर कतरे के निशान हैं यहाँ। तकरीबन 70 वर्षों तक आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों की याद में कोई राष्ट्रीय स्मारक ना होने की कमी हमेशा देशवासियों को खलती रही। सैन्य बलों एवं समस्त देशवासियों की भावनाओं को साकार करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया। 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय समर स्मारक हमारे प्रधानमंत्री जी के उस विजन को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों की स्मृति को एक रूप प्रदान। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय समर स्मारक डिजिटल स्क्रीन और उन्नत तकनीकी सुविधाएं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय समर स्मारक की पहुंच अब युवाओं और व्यापक जन समूह तक होगी। राष्ट्रीय समर स्मारक के प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे बढ़ते ही दाईं और बाईं तरफ सुविधाजनक टच स्क्रीन लगी है। आउटडोर इंटरैक्टिव टच स्क्रीन और दो विशाल LED आउटडोर वॉल के माध्यम से वीरों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यहां आने वालों का मोबाइल फोन ऑडियो आधारित टूर गाइड का प्रयोग कर लोकेशन, मार्ग और इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय समर स्मारक के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडियो विवरण के साथ 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। स्मारक में अंकित 26,275 शूरवीरों के बारे में जाना जा सकता है। 360 डिग्री व्यू, इस सुविधा से दुनिया के किसी भी कोने से राष्ट्रीय समर स्मारक के वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं।